ये रही हमारी आलू बैगन की सब्जी। तो चलिए देखते हैं इसको किस तरह से बनाया जाता है। आज की रेसिपी होने वाली है आलू बैगन की सब्जी। तो चलिए देख लेते हैं किन किन इंग्रेडिएंट्स की जरूरत पड़ेगी। यहाँ मैंने दो टमाटर मीडियम साइज के कट कर लिए हैं, एक प्याज चॉप कर ली है मैंने। इसके अलावा साबुत मसाला में जो चाहिए, हाफ टी स्पून जीरा, हाफ टी स्पून सौंफ, हाफ टी स्पून से थोड़ा कम मेथी जाएगी, हाफ टी स्पून कलौंजी, हाफ टी स्पून से भी कम दो चुटकी कह लीजिए अजवाइन जाएगी, और जाएगी हाफ टी स्पून सरसों। पिसे हुए मसालों में हमारे पास जाएगा हाफ वन टी स्पून मिर्च पाउडर, रेड चिली पाउडर, वन टी स्पून टर्मरिक पाउडर, और सॉल्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट आप लेंगे। तो चलिए देख लेते हैं किस तरह से बनाते हैं। यहां हमने पैन में ऑयल डाल लिया हाफ कप से कम, 2 to 3 टेबलस्पून के करीब हमने तेल डाल लिया। इसके अलावा अब जाएगा हमारा इसमें प्याज, अब हम प्याज डालेंगे इसमें। अब इसको गुलाबी होने तक फ्राई करेंगे हम थोड़ा। ब्राउन कलर हो जाने के बाद फिर हम इसमें अपने साबुत जो मसाले थे, अजवाइन, सरसों, मेथी, ये सब डालेंगे हम इसमें। सॉरी मैं एक चीज बताना भूल गई थी, इसमें हम अपना अदरक लहसुन का पेस्ट भी जाएगा इसमें 2 to 3 टेबलस्पून के करीब। देखिए अब हमारी प्याज वो हो रही है, ब्राउन हो रही है। अब हम इसमें अपना अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे, भूनेंगे इसको अच्छे से। इसमें अब जो ये हमारे साबुत मसाले हैं, मेथी वगैरह, ये भी शामिल कर देंगे। इसमें टमाटर भी शामिल करेंगे हम, थोड़ा सा भून लें इसके बाद। टमाटर हमने शामिल कर दिए, अच्छे से फ्राई करेंगे। इसमें हमने थोड़ा सा पानी शामिल करके अब ये जो हमारे पिसे हुए मसाले थे ये शामिल कर देंगे। नमक आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लीजिएगा, नमक और मिर्च ऊपर नीचे कर दीजिएगा अपने हिसाब से आप। और इसको भूनेंगे, इतना भूनेंगे कि ये टमाटर जो है हमारे सॉफ्ट हो जाए। देखिए हमारे टमाटर भी काफी हद तक सॉफ्ट हो गए हैं। अब ये जो हमारे कटे हुए बैंगन और आलू थे हमने काट कर रखा है, आलू को 4 टुकड़ों में किया है, और बैंगन को आप इस तरह से चीरा लगा लेंगे ताकि इसमें देख ले कोई कीड़ा वीड़ा ना हो, ठीक है। और इसको वॉश करके रखना है। अब हम इसको अपने बैंगनों को और आलू को एक साथ शामिल करेंगे इसमें, और इसको भूनेंगे फर्दर। ये हमारा ये भुन गया है, अब हम इसमें एक ग्लास पानी डालेंगे गलने तक के लिए। इसमें एक बॉईल आ जाए तो फिर हम ढक्कन लगाकर इसको गलने के लिए छोड़ देंगे। तो ये देखिए हमारी सब्जी में बॉईल आने लगा है। अब हम इसको गैस की फ्लेम को स्लो कर देंगे बिल्कुल, और इसके हम अपना कवर लगा देंगे। गैस की फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर देना है और छोड़ देना है पकने के लिए। जब तक ये पकेगा तो ये सब्जी भी आपकी ऑटोमेटिकली ड्राई हो जाएगी।
और देखिए ये हमारा हो रहा है, हमने गैस की फ्लेम को हाई कर दिया है इधर, और अभी थोड़ा सा वक्त और है गलने में आलू को रेडी होने में, और इसको फ्लेम को कम कर देंगे, छोड़ देंगे बंद। देखिए हमने ढक्कन हटा लिया है, पानी भी लगभग खुश्क हो चुका है, ड्राई हो चुका है। अगर किसी के आप लोग बनाते हैं अगर रह जाता है पानी आपका, तो तेज आंच पे उसको खुश्क कर लीजिएगा, ड्राई कर लीजिएगा। ये देखिए बिल्कुल ड्राई हो गया है। अब हम इसको अपने पॉट में निकालेंगे, इसपे सबसे पहले हल्दी धनिया डाल देंगे थोड़ा सा, और मिक्स करेंगे इसको अच्छे से। गैस की फ्लेम को करेंगे बंद, और चलिए करते हैं इसको डिश आउट। हमने डिश ले ली अपनी, इसको डालेंगे। एकदम गल चुके हैं हमारे, डिश आउट कर दिया अपनी सब्जी को। हरी धनिया ऊपर से स्प्रिंकल करेंगे। तो ये रही हमारी आलू बैगन की सब्जी, इसको बनाइए मेरे स्टाइल में। इसको आप सर्व कर सकते हैं रोटी चपाती के साथ, पराठों के साथ, और ये चावलों के साथ भी बहुत अच्छी लगती है। तो आप भी बनाएं मेरे तरीके से। मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। अगर मेरी वीडियो पसंद आए प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। तब तक के लिए अल्लाह।